ये एरर हैंडलिंग क्या होता है समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। बस लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो। तो एरर हैंडलिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जो एरर्स, एक्सेप्शंस और अनफोर्सीन सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल करने के लिए यूज होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है ये जो एरर्स, एक्सेप्शंस और अनफोर्सीन सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल करने के लिए यूज होता है। जब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन होती है वेरियस एरर्स या एक्सेप्शंस आते हैं जो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को डिसरप्ट कर देती हैं। एरर हैंडलिंग का मुख्य उद्देश्य है यूजर्स को स्मूथ और एरर फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना और सिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। एरर हैंडलिंग में टिपिकली दो स्टेजेस होते हैं, एरर डिटेक्शन और एरर हैंडलिंग। पहले एरर डिटेक्शन देख लेते हैं। पहला स्टेज है एरर डिटेक्शन, जिसमें प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है कि कोई एरर या एक्सेप्शन अकर हुआ। ये एरर्स रन टाइम एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर या मेमोरी ओवरफ्लो एरर। दूसरा है एरर हैंडलिंग। दूसरा स्टेज है एरर हैंडलिंग, जिसमें प्रोग्राम डिसाइड करता है कि कैसे उस एरर या एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। इसमें वेरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर लॉगिंग और रिट्राय मैकेनिज्म्स। एरर लॉगिंग पर तो मैंने वीडियो बनाई हुई है पिछली एक, वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। कुछ कॉमन एरर हैंडलिंग टेक्निक्स देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है एरर्स और एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शंस को कैच और हैंडल किया जाता है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। एरर लॉगिंग, एरर्स और एक्सेप्शंस को लॉग करने के लिए एरर लॉगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लॉग फाइल्स में एरर मैसेजेस और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स एरर को डायग्नोस और ट्रबल शूट कर सकें। फिर रिट्राय मैकेनिज्म्स। कभी कभी ट्रांजिएंट एरर्स आते हैं जिन्हें टेम्पररी बेसिस पर रिजॉल्व किया जा सकता है। रिट्राय मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है रिट्राय अटेम्प्ट्स के थ्रू ट्रांजिएंट एरर्स को हैंडल करने के लिए, मतलब जो टेम्पररी एरर्स होते हैं। फॉलबैक मैकेनिज्म्स देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर कोई प्राइमरी फंक्शनैलिटी फेल हो जाती है तो फॉलबैक मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी फंक्शनैलिटी या डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रोवाइड करने के लिए, एक फॉलबैक होता है। ओवरऑल एरर हैंडलिंग एक क्रूशियल एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो यूजर्स को रिलायबल और स्टेबल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। प्रॉपर एरर हैंडलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम रिलायबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया जो भी मैंने बताया, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। बेल आइकन प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ही न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर करना, धन्यवाद।